नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं देशोर उपाध्याय। विपक्षी दल किस तरह से हाथरस की एक बेटी की दर्दनाक मौत पर घटिया राजनीति कर रहे हैं, उसे देखकर पूरा देश हैरान है। खासकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक तूल देकर सूबे में बंजर पड़ी अपनी सियासी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने में जुटी हुई है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कल ग्रेटर नोएडा में दिन भर चले कांग्रेस का हाई वोल्टेज ड्रामे से देखने को मिला, क्योंकि जिस पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए राहुल और प्रियंका गांधी लाओ लश्कर के साथ हाथरस के लिए निकले, उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो किसी के दर्द में शामिल होने जा रहे हों। ऐसा लग रहा था कि मानो वो चुनावी रोड शो के लिए निकले हों और कोरोना के खतरे को बांट रहे हों। यही वजह थी कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। लेकिन राहुल और प्रियंका की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेसियों ने जो बवाल काटा वो भी हैरान करने वाला था। जहां रानीपुर में चक्का जाम हुआ, मौरीनापुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे यूपी किसान कांग्रेस के अध्यक्ष शिवनारायण परिहार को भी हिरासत में ले लिया गया। इन सब के बीच एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई। फोटो में एक महिला दिख रही है और इसे दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमृता धवन बताया जा रहा है। इस तस्वीर को कांग्रेसी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हजीना सईद ने तस्वीर को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि तस्वीर अमृता धवन जी की है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज उनके कपड़े तक फाड़ दिए। वो बेटियों को क्या न्याय देंगे? योगी आदित्यनाथ, शर्म करो, महिला उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। तो भी कांग्रेस आईटी सेल के राष्ट्रीय समन्वयक गौरव पांधी ने भी अमृता धवन की तस्वीर को शेयर किया है। इसके अलावा आदेश रावल नाम के एक ट्विटर यूजर ने भी तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की आज की सबसे शर्मनाक घटना ये तस्वीर है, जिसमें पुलिस ने दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमृता धवन के कपड़े फाड़ दिए। तो वही इस ट्वीट पर अमृता धवन ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से कमेंट किया। उन्होंने लिखा कि योगी मोदी के संस्कारों का प्रमाण है ये, फेस विद कोल्ड स्वीट, ताकत दिखानी है तो अपराधियों को दिखाओ, हमारा चीर हरण करके क्या हासिल होगा? याद रखना, द्रौपदी चीर हरण और सीता हरण का अंत कहां जाकर थमा था, फिर क्या था? वायरल हो रही इस तस्वीर पर नोएडा डीसीपी वुमेन सेफ्टी ने जवाब दिया और इस पूरे मामले की सच्चाई बताई। वृंदा शुक्ला ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं इस पूरे प्रदर्शन के दौरान वहां उपस्थित थी और बहुत भारी संख्या में महिला पुलिस कर्मी ड्यूटी पर तैनात थे। नोएडा पुलिस की ओर से इस प्रकार का कोई भी कार्य किसी भी महिला की मर्यादा के विरुद्ध नहीं किया गया है, यानी कि महिला आईपीएस ने कांग्रेस के झूठ की पोल खोल दी है। वैसे भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस की ही कई नेत्रियां बदसुलूकी का आरोप लगा चुकी हैं। हो सकता है कि कार्यकर्ताओं की ओर से इस तरह की हरकत की गई हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचार के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री और कांग्रेस की नेता नगमा के साथ कार्यकर्ताओं की ओर से बदसुलूकी की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद वो कांग्रेस के नेताओं पर जमकर बरसती भी नजर आई थी। जिस तरह से कांग्रेस हाथरस मामले पर गंदी सियासत कर रही है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।